महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीट के लिए शुक्रवार को हुए द्विवार्षिक चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस के कम 7 विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रज्ञा सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता के वोटों का कोटा तय किया था और शेष 7 वोट सहयोगी शिवसेना UBT के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने थे, लेकिन सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता के वोट मिले, जिसका मतलब है कि कम से कम 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। BJP, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने लड़ी गई सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP द्वारा समर्थित पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के जयंत पाटिल हार गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीट के लिए शुक्रवार को हुए द्विवार्षिक चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस के कम 7 विधायकों ने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रज्ञा सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता के वोटों का कोटा तय किया था और शेष 7 वोट सहयोगी शिवसेना UBT के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने थे, लेकिन सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता के वोट मिले, जिसका मतलब है कि कम से कम 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। BJP, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने लड़ी गई सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP द्वारा समर्थित पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के जयंत पाटिल हार गए।